कोटा के चिकित्सा कर्मी 12 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान आउटडोर में मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। इस दौरान गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में देखा गया। आपको बता दें कि विधायक प्रहलाद गुंजल के मामले के बाद विधायक प्रहलाद गुंजल के जो बातचीत हुई थी सीएमएचओ से, उस बातचीत के बाद ये सभी डॉक्टर्स विरोध स्वरूप आज हड़ताल पर रहे, जिससे चिकित्सा व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। सांस चल रही बहुत तेज की इनकी, लेकिन है ना यहाँ पर भी आए तो डॉक्टर नहीं मिले हमें, सब जगह हुए हैं हम तो, इनको एक डेढ़ घंटा हो गया लेके बताए हुए हैं। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, 12:30-1 बजे तक बैठेंगे, तो अब इनका क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बैठे 8 बजे क्या हो रहा है आपने? पाँव से उठा ही नहीं जा रहे, अब पाँव में चपकट चल रहे बहुत बुरा। कोटा संवाददाता गुल मोहम्मद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुल, 12 बजे तक चिकित्सक हड़ताल पर रहे, विधायक का जो मामला था प्रहलाद गुंजल ने सीएमएचओ को धमकाने के मामले के बाद ये चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर रहे 12 बजे तक, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गुल? जी जी बिल्कुल, कोटा में जिस तरह से विधायक प्रहलाद गुंजल द्वारा सीएमएचओ को धमकाने के बाद अब जो है पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक के खिलाफ चिकित्सा महकमे में जबरदस्त विरोध है और कार्रवाई की मांग को लेकर डॉक्टर स्ट्राइक पर उतर आए हैं। कोटा में सीएमएचओ को आईएमए के समर्थन के बाद पूरा चिकित्सा महकमा जो है यहाँ पर एकजुट होता हुआ दिख रहा है। हड़ौती संभाग के जो दो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं एमबीएस और जेके लोन, इसके साथ ही जो न्यू मेडिकल अस्पताल है उसमें भी जो है आज 2 घंटे तक डॉक्टर स्ट्राइक पर रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था भी जो है चरमरा गई पूरी तरह से, मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात करें डॉक्टर्स की तो वहीं आईएमए की मीटिंग में डॉक्टर सामूहिक इस्तीफे देने पर भी निर्णय कर सकते हैं और पूरे मामले को लेकर जो है आईएमए ने चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी बात की है। तो अभी कुल मिलाकर पूरा जो मामला है वो चिकित्सा महकमे में जो है तूल पकड़ता जा रहा है और डॉक्टर्स अभी आज जिस तरह से 2 घंटे की हड़ताल पर गए हैं तो आगे भी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात करें, इसके साथ ही जो सामूहिक इस्तीफे की भी जो है घोषणा जो है डॉक्टर कर सकते हैं। जी जी सुमित, चलिए शुक्रिया कुल तमाम।